नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एक छोटी सी बात। ये जो साइकोलॉजी या माइंडसेट है, ये जब तक हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आता है तो ट्रेडिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ऑल्दो नोइंग सो मेनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, सो मेनी ट्रेडिंग सेटअप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, उसी डायरेक्शन में आज का ये पहला पार्ट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट वन। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस कैसे हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एक्ट करते हैं, एंड कॉन्फिडेंस प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर डिसीजन मेकिंग। उससे पहले कुछ चार्ट देख लेते हैं। ये एक लाइन चार्ट है, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस इज सुपर बुलिश, यानी ये पार्टिकुलर लेवल से ये पार्टिकुलर लेवल तक इट वाज सुपर बुलिश, यानी कुछ भी हो जाए, आप कहीं पर भी कुछ भी कर लो, प्राइस ऊपर ही जा रहा था। यहाँ पे प्राइस क्या था? सुपर बियरिश, यानी एवरी अपटिक सेल करना था एंड प्रॉफिट जेनरेट करना था। एंड द थर्ड वन इज साइडवेज कंसोलिडेशन, जहां पे प्राइस ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। अभी बात ये है कि ये चार्ट के साथ मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। ये तो हो गया प्राइस चार्ट, लेकिन अगर हम हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी इस टाइप के चार्ट के ऊपर प्लॉट करने का कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है कभी कभी एकदम स्ट्रांग सुपर रहता है, एंड हम उस टाइम पे कुछ भी करें प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कुछ भी डिसीजंस ले, राइट डिसीजंस हो जाता है। ये पार्टिकुलर टाइप का एक फेज होता है जहां पे हमारा जो डिसीशंस हम लेते हैं एंड हर एक डिसीशंस गलत साबित होता है। ऐसा लगता है कि अरे यार, ये डिसीशन हमने क्यों लिया है। एंड इस टाइप के डिसीशंस में मींस ऐसा होता है कि अरे यार, व्हाट इज हैपनिंग, ना मैं राइट हूँ ना मैं रॉन्ग हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमारा कॉन्फिडेंस ऑल्सो प्लेज सिमिलर टाइप ऑफ लेवल। हमें देखना है आज के दिन में हम ये तीन फेज में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड में, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है कहाँ पे। उस कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे हमें ट्रेडिंग पोजीशंस यानी पोजीशन साइजिंग करना है। कहने का मतलब, जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइप का होगा, हम कुछ भी करें, क्रिकेटिंग टर्म्स में सिक्स चला जाता है, बल्ले से बॉल को टच करने से छक्का, उस समय पे हमारा जो पोजीशन साइजिंग है वो पोजीशन साइजिंग टू द मैक्सिमम लेवल होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन आवर ट्रेडिंग कैपिटल। उस समय हमारा जो भी ट्रेड लेंगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। इस समय पे हमें पोजीशन साइजिंग मिनिमम करना है, जितना कम हो जाए, और यहाँ पे हार्डली वी शुड टेक एनी पोजीशंस जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस टाइप का हो। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है ट्रेडिंग हैबिट्स, 39 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स, रिटन बाय स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स। ये जब किताब में गो थ्रू कर रहा था तो वहां पे दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सर्टेन ट्रेडिंग हैबिट्स हम वहां पे मेंशन कर रहा था। इससे हाईली रेकमेंडेड बुक फॉर एवरी ट्रेडर। जब वो बुक में गो थ्रू कर रहा था, एक पार्टिकुलर हैबिट मेरे को स्ट्राइक किया माइंड में कि व्हेन आई एम ट्रेडिंग पुअरली आई कीप रिड्यूसिंग माय पोजीशन साइज, दैट वे आई विल बी ट्रेडिंग माई स्मॉलेस्ट पोजिशन साइज वेन माई ट्रेडिंग इज वर्स्ट, रिटन बाई
पॉल ट्यूडर जोन्स। हम सभी जो ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी के हैं पॉल ट्यूडर जोन्स को जानते हैं। इतने बड़े ट्रेडर होने के बावजूद भी उनका जब ट्रेडिंग माइंडसेट काफी लो रहते हैं तब वो क्या करते हैं, पोजीशन साइजिंग को मिनिमम कर देते हैं जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम होता है। यानी इनकी जैसे ट्रेडर जिनका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप एंड डाउन होता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूवमेंट, क्योंकि मार्केट इज अल्टीमेटली सुप्रीम। नो वन कैन क्लेम दैट आई विल ऑलवेज बी मेकिंग एन ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस लेवल, वो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है तो मार्केट अपने हिसाब से बिहेव करता रहेगा, एंड एट सर्टेन फेज हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आइदर विल बी लाइक दिस और विल बी लाइक दिस। उस समय पे हमारा पोजीशन साइजिंग मिनिमम करना है एंड वी नीड टू वेट फॉर मार्केट कंडीशन कमिंग बैक टू दिस, यानी हमारा माइंडसेट कंडीशंस कमिंग बैक टू दिस, जब हम मैक्सिमम पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड करेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट वन, यहाँ पे पोजीशन साइजिंग रिलेटेड टू आवर कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कौन सा फेज में है, ये फेज में है, ये फेज में है या ये फेज में है, डिपेंडिंग ऑन दैट वन हमारा जो पोजीशन साइजिंग है उसको ऊपर नीचे यानी मॉनिटरिंग करके अकॉर्डिंगली हमें पोजीशन साइजिंग को डिसाइड करना है, ज्यादा करना है या कम करना है। ये पार्टिकुलर फेज पे अगर हम मैक्सिमम पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड करने का कोशिश करेंगे जब हमारा माइंडसेट ऐसा है तो क्या होगा, सक्सेस कभी भी नहीं होगा। जब भी हम अपना ट्रेडिंग लेजर को गो थ्रू करेंगे तब देखेंगे अरे ये तो कुछ पैसा नहीं दे रहा है। जब ऐसा रहेगा हमारा माइंडसेट और हम हमारा ट्रेडिंग लेजर को गो थ्रू करेंगे तो हम देखेंगे कुछ भी ट्रेड लेते हैं कि लॉसेस होता है। लेकिन इस टाइप का माइंडसेट के टाइम में हम अगर अपना ट्रेडिंग लेजर को गो थ्रू करेंगे तो देखेंगे कि अरे यार कुछ भी ट्रेड लो, इतना बढ़िया प्रॉफिट जा रहा है। सो पोजीशन साइजिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्फिडेंस लेवल, एंड ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस कॉन्फिडेंस लेवल को क्या हम चार्ट के तरह प्लॉट कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। अगर हम इसको चार्ट के तरह प्लॉट कर सकते हैं और इस टाइप का सुपर बुलिश ट्रेंड, सुपर बियरिश ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड हम समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अभी इस टाइप का है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड आवर पोजिशन साइजिंग, द लॉट साइज बड़ा करना है या छोटे करना है या मिनिमम टू मिनिमम में हमें ट्रेड को रखना है। ये मेरे को अच्छा लगा कल जब मैं वो पार्टिकुलर किताब गो थ्रू कर रहा था, दिस पार्टिकुलर बुक, तब मेरे को लगा कि दिस कैन बी ए पार्टिकुलर वे टू डिसाइड आवर पोजिशन साइजिंग। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी छोटी सी बात में अभी इतना ही। आप सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।